कांग्रेस पार्टी द्वारा टीकमगढ़ जिले के अस्पताल चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार भाजपा सरकार की पिछड़ा वर्ग जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनके हकों की लड़ाई के लिए और इस वर्ग के आरक्षण को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला टीकमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना आंदोलन प्रदर्शन कर ज्ञापन टीकमगढ़ SDM सौरभ मिश्रा को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण सम्मिलित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हर पाँच साल में रिलेशन के आधार पर पंचायत चुनाव का मुद्दा केवल ये था कि लोकतंत्र चुनाव की घोषणा करती है और उसको ये कहती है कि हम पाँच साल के लिए अध्ययन कर रहे हैं। जब तक रोटेशन को एक्शन करने का अधिकार केवल भारत सरकार को, इसके खिलाफ एक तनखा की कोशिश है कि रोटेशन करें और हर आदमी को जो पंचायत में चुनाव लड़ने का मौका केवल एक पद को उसमें कोर्ट में चुनाव के दौरान कोर्ट में महाराष्ट्र का उदाहरण हम देखते रहे हैं, महाराष्ट्र के तरीके से लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर इनके पति कौन है, इसके ऊपर ने कोई खोज दिया ना कोई अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया। अब रोज मध्यप्रदेश की विधानसभा संकल्प भी पारित कर रही है, नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो रहा और चुनाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है। ऐसे में या तो चुनाव निरस्त करने की कार्रवाई करें या फिर ये घोषणा करें कि नहीं चुनाव होंगे तो जो है लोकसभा का संदेश की स्थिति में है चुनाव लड़ने की दूर नहीं, मतलब खुद मध्यप्रदेश की सरकार सोच नहीं पा रही है और आम आदमी उससे परेशान है। मुद्दा यह है उसके संबंध में आगे बढ़ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।